अपना बल दिखाओ। तुम में से जो सबसे शक्तिशाली है वो आगे आ जाए और बाकी यहाँ से जाओ। एक अकेली स्त्री पर चार चार पुरुष प्रहार करोगे, कमजोर नहीं दिखोगे? मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं लड़ूंगा तुमसे। ये कह रहा है सबसे ज्यादा शक्तिशाली ये है। तुम सबको विश्वास है कि ये सही कह रहा है, या आपस में युद्ध करके तय करना चाहोगे कि कौन शक्तिशाली? नहीं, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। इन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूँ। हाँ हाँ, कह देना, इसे तो मैं चुटकी में मसल के रख दूंगा। ने, अपना ध्यान रखना, यह औरत बहुत खतरनाक है। हाँ, तो हम कौन से कमजोर हैं? चलो। अब आखिरी बार पूछता हूँ तुमसे, सिंहासन सिंह का घर छोड़ने को तैयार हो कि नहीं? तब तक नहीं जब तक स्वाति का पता नहीं चल जाता। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। नारायण नारायण। माते, देवी उष्मा अपने विवेक और अपने संयम से अपना देवी कर्तव्य पूर्ण निष्ठा के साथ निभा रही है। हम व्यर्थ में व्याकुल और चिंतित हो रहे थे, क्षमा चाहते हैं माते। देव ऋषि, ये देवी उष्मा के लिए परीक्षा है, अपना संयम वो कब तक रख पाती है, और देवी पौलमी की दृष्टि में वो स्वयं को कब तक बचा पाती है, और अपने लक्ष्य में कब तक सफल हो पाती है, ये देखना शेष है। नारायण नारायण, उचित कहा आपने माते। हम में से एक ही काफी उस लड़की के लिए। उस स्वाति ने तुम चारों का अकेला ढेर कर दिया था, और वो अकेला लड़ लेगा, कैसे बना? आप कैसी बात कर रही हैं? कन्या बहुत नाजुक होती है, जैसे कि आप। अनाप सनाप मत बोला, तमीज मेरा वरना। माफ कीजिएगा मलके, पागल है ये, कुछ भी बोलता है। वाहन बंद और दिमाग खुला रख। संतोषी का काम नहीं हुआ ना, तो घर में आने नहीं देंगे। नागा कैमाशोर, कुछ गलती मत करना, देवी संतोषी वहीं खड़ी है। तुमने अपने क्रोध पर नियंत्रण रख ये परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है उष्मा। एक बार नहीं, 100 बार। अकेले निपट लेंगे, है? मालिक क्या कर रहे हैं आप? गए थे सबको साथ लेके जाओ, हैं? एक लड़की गई, इसको बांध के लेके चली आई, शर्म नहीं आ रही? है कहीं के सांड की तरह खाली देखने में, ना मन खाएंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। हमने कुछ कुछ नहीं सुना, हमने कुंती देवी देखो बनाने की कोशिश में करा, नहीं तो यही गर्दन मरोड़ देंगे। ये बात अगर यहां से बाहर गई, तुम्हारे जुबान पे आई तो हमको कुछ नहीं पता है, हमसे मैं पूछ रही हूँ।
हमारा सर पे मत चढ़ो। हाँ, आज हम तुमसे सारा रहस्य ज्ञात करेंगे, क्योंकि तुम ही अपने पति का भेद खोलोगे और उसे दंड दिलवाओगे। अम्मा क्या हुआ, घबरा कर रही? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, अब चलो, आ गई हो तो थोड़ा पानी पिला दो ना, बहुत प्यास लगी। पिलाते हैं। जुबान पे भी लकवा मारते ना चाहिए। वैसे तुम्हारे परिवार वाले ने स्वाति का मुंह बंद किया था ना, तो कहा तुम? तो आज हम तुम्हारा मुंह बंद करेंगे, फिर बताना तुम्हें कैसा लगा। अब लगाओ। आवाज नहीं आ रही, जोर से लगा। कुछ नहीं आवाज आ रही इंद्रेश, जोर से लगा। जिन्होंने भी स्वाति को कष्ट दिया है उन सबसे बदला लेंगे हम। यम्मा तो और है, खुद तो टीप टाप बने पूरा घर में टहलती रहती हैं और हमको सजने का समय ही नहीं देती। लवली, हमको बचाओ है। वो अब चुड़ैल हमको बहुत परेशान कर रही है। वो कैसे? अम्मा, अब देखो इधर उधर की बातें छोड़ो और हमें साफ साफ बताओ। हमको ना पागलपन में लगाने की कोई जरूरत। अरे अम्मा, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? जब ऐसा ही दर्द स्वाति को हो रहा था तो तुम दोनों मजे निकले, हमें जेल भेजने का पूरा इंतजाम कर लिया था। ऐसा है ना, तुम हमको जरा डरवाने की कोशिश मत करो, समझी? हम डरते वरते नहीं है किसी से। निकलो हमारे कमरा से। नहीं गए तो? रिंकी दीदी, अरे सुनिए। अरे सुनिए, कोई नहीं आएगा। अम्मा जी तुम्हें बुला रही है, तुम अम्मा जी को बुला रही है, कौन किसकी मदद करेगा सोच लो। अम्मा, हर एक बात का बदला लेंगे हम। ऐसा खुजली वाला पाउडर डाला था ना तुम लोगों ने स्वाति पर? अरे नहीं, वो हम नहीं डाले थे, वो तो छुटके भैया निधि डाले। शामिल तो तुम भी थी ना। बहू को तो हमने उसके कमरे में ही बंद कर दिया, तो अब आने वाली है नहीं तो चिल्लाओ मत। हाँ, और बताओ कि स्वाति कहाँ है? हमको सच्ची कुछ नहीं पता। कह रहे हैं यहाँ तुम दोनों अकेले हो, इसलिए आराम से बता सकती हो कि स्वाति के साथ क्या हुआ। हमको उसने मार दिया क्या उसको? अब शांत हो जा, का थाने का दरोगा होगा, धमकी देकर जबरदस्ती बुलवा लोगी? अभी के अभी निकल यहां से, चल। स्वाति को लेते आइए, चले जाएंगे यहां से। अच्छा, स्वाति के आने जाओगे? भैया आपको बुखार है का दीदी? और आप यहाँ काहे आ गई? कितनी चिंता कर रही थी आप हमारी। अरे कोई खोलो! वो बड़की बहू जी की आवाज तो कमरे में बंद है। आपको पता है हमने आपको बहुत मिस किया। लेकिन जिसको सबसे ज्यादा मिस किया वो है हमरा इंद्रेश। अब प्रेम विलाप करो अपनी पूजनी दीदी से और निकलो यहाँ से, काहे कि और तमाशा नहीं चाहिए हमको। हम जो भी कहते हैं आपको हमेशा तमाशा ही काहे लगता है।
दीदी आप चलिए घर। आपको पता है ये घर घर नहीं है, जेल है जेल। हमरा तो दम घुटता ही यहाँ बहुत। चलिए हम अपने घर चलते हैं। हाँ चलिए। हाँ ठीक है निकलो। सुनो अपना बोरिया बिस्तर भी बांध कर निकलो चलो। पूरी तरह से उलझ जाओगी। कहाँ हो जाओगी? उलझ जाओगी। छोड़ो स्वाति, छोड़ो उसको। चोचक लगते हैं लेकिन दूसरों के चीथड़े भी उड़ा देते हैं। हल्के में ना लेना, समझी? का बदतमीजी है? कहा है कि बदतमीज लोगों से हम बदतमीजी से ही बात करते हैं। केवल सिंहासन सिंह और उसका पुत्र ही सत्य जानता है। ये विचार करने वाली बात है उष्मा कि तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए स्वाति के प्रतिरूप को लाना पड़ रहा है, अर्थात कोई रहस्य है जो इस परिवार के सदस्य छुपा रहे हैं और तुम्हें वो सत्य ज्ञात करना होगा। तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस परिवार के अधिकतर सदस्य देवी पौलमी के अवगुणों के उपासक हैं। ये कन्या भी उन्हीं के अवगुणों से प्रभावित लगती है, अर्थात धन के लोभ के कारण यहाँ पर आई। अरे हमें तो लगता है ये सभाती ही है, इन दोनों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा है आपसे पैसे निकलवाने के लिए। हमारे घर में कोई सीता और गीता फिल्म चल रही है का कि एक जाए और दूसरी उसकी हमसकल वापस आ जाए? भले ही कोई फिल्म नहीं चल रही हो आंटी जी, लेकिन हीरोइन, अरे हीरोइन तो हम ही हैं। और सुनो, हम स्वाति की हमसकल नहीं बल्कि वो हमरी हमसकल है। शांति बनाओ कुंती देवी। देखो हमने वो बल्कि विभाग की भतीजी को बाहर करने के लिए ही लाया है। अरे पर अरे अरे कितना बोलती हैं आंटी जी। ऐसे अंकल जी कब से झेल रहे हैं इनको? वही 30-32 साल। अरे धन्य है आप, धन्य है अंकल जी। 30-32 साल क्या कर सकते हैं। पर बाबूजी अगर ये स्वाति नहीं है तो स्वाति कहाँ है? कहीं पर भी हो हमको का लेना देना। स्वाति को लेकर आओ और वो जो तुम्हारी संतोषी दीदी अंदर गई है ना, जाओ उनको घर से बाहर निकालो। बोलो कर पाओगी? नहीं ना तो चुप रहो और आइंदा से हमारे सामने जुबान चलाई तो जुबान खींच के बाजार में बेच आएंगे। वैसे 50,000 रुपए में तो दिखी जाएगी तुम्हारी जुबान, चलती जो बहुत है। कितने मिल जाएंगे? ऐसा नहीं तुमसे ज्यादा मैंने कोशिश ना करो। अरे भाभी बस करो, उसको अपना काम करने दो। 5 लाख की तो बात है। जी कहीं सब कुछ सुन तो नहीं ली?
नहीं तो फिर घर में पूरा नाच नचाएगी। दीदी हम तो सबको यही बता रहे थे कि कैसे इधर से उधर चलते हुए हमारे पैर छिल गए। सामान कहाँ है तुम्हारा? अरे हाँ संतोषी दी, अपना सामान जरूर लेकर जाना। और जब उसने हमको शादी के लिए पूछा था तो एक बहुत प्यारी सी अंगूठी दी थी, और जब हम झोपड़ी में रहते थे ना तब दिन रात हमसे कहा करता था कि तुमको महल दिलवाएंगे, ये करेंगे तुम्हारे लिए, वो करेंगे। और काका बताएं आपको कि आपको यकीन हो जाए, हम ही स्वाति हैं। संभाल के है अर्चना। स्वाति आपको फोन भी नहीं कर पाए, पर फिर को इंद्रेश की और आप दोनों की इतनी याद आई कि वापस आ गए। इस कन्या की बात पर स्वाति के माता पिता भी विश्वास कर रहे हैं। कैसे बताएं इन्हें कि ये स्वांग कर रही है? चल बिटिया घर चल, अब तुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। संतोषी बिटिया तू भी हमारे साथ चल। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये असली स्वाति नहीं है, दूर रहिए इससे। क्या बात कर रही है बेटा? ये हमारी बिटिया है स्वाति। अरे सठिया उठिया गई का रे है? ए, देखो तुम्हारी बहन फुल वॉल्यूम में पागल हो गई, इसको घर नहीं पागल खाने लग जाओ। बाबूजी एकदम सही कह रहे हैं, देखो कैसे फूहर की तरह हंस रही है, पागल है, इसे कौन हंसता है का? दीदी हमको लगता है ना कि अब बहुत परेशान है, इसलिए सब कुछ कर रही है। आप एक बार घर चलिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए चलिए। इंद्रेश ने निशान हटवा दिए, वो निशान जो कभी थे ही नहीं। ये सबाती नहीं है, ये सबाती नहीं है, तब तक हमरे ही सर पे पड़ी रहोगी है। मनुष्य जीवन इतना लंबा नहीं है, शुक्रवार सिर्फ शुक्रवार तक हम साबित कर देंगे कि ये असली स्वाति नहीं है। और अगर नहीं कर पाई तो उसी दिन घर से रवाना हो जाओगी। हाँ तो हम सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर ये प्रण लेते हैं कि शुक्रवार तक हम ये साबित कर देंगे कि ये असली स्वाति नहीं है। पूरा आधा दिन वेस्ट कर दिया हमारा, ऊपर से पता नहीं तुम लोगों को चाहिए काबे। टाइम वेस्ट के पैसे तो हम वसूलेंगे कि क्या है, जो अच्छा के लगते हैं, लेकिन दूसरों के चीथड़े उड़ा देते हैं। ये हल्के में तो बिल्कुल मत लेना हमको। ऐसा उस वतिया कर सकती थी का? है? संतोषी माता के भगत थी, चोरी चकारी से उसका दूर दूर तक नाता नहीं था। ना पूजा पाठ करेंगे। सटिया बटिया आ गया क्या? हाँ? पागल वागल तो नहीं हो गया? तुमको जो समझना है समझ लो, लेकिन अगर तुमने ये कह दिया बटुआ क्या तो गाड़ी भी तुमको दे देंगे। अगर ये लड़की स्वाति है तो इस सपने में भी ऐसा नहीं बोल पाएगी। सुनो हमको ना पूजा पाठ वैसे भी नहीं पसंद है। बबली को केवल पैसा पसंद है, पैसा। वो केवल नगद नारायण की पूजा करती है। भगवान की शक्ल देखने का ना तो हमको शौक है और ना ही फुर्सत, समझा? तो समझ ले कि तू हो गई माला माल। तुम सबसे समझदार लगते हो हमको। समझ ही गए हो तो ये भी समझ लो, काम खत्म होने पर पूरे 5 लाख लेंगे और अगले हफ्ते 5 और मिल जाएगा। और हाँ 1 लाख ऊपर से तुमने भी देने का वादा किया था, याद है? वो भी मिल जाएगा।
अपनी सही पहचानती है वैसे। समझदार तो तुम ही हो सबसे। ये तो बहुत खतरनाक लड़की है। से घर में आए हैं, हाथ में बड़ी खुजली हो रही है। चोर, 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 चोर। अरे कौन है? किसने चोरी किया? किसका चोरी किया? कौन घर में चोर चोर की आवाज लगा रहा है? किसने कर ली चोरी? आ इसने। ये चोर है, इन्हें चोरी की। अब देखो घड़ी चुरा रहा था, रंगे हाथों पकड़ लिया हमने। चोर कहीं का। चोरी इसने की है। झूठ बोल रही है लड़की। लड़की तो तुम इसे जानते नहीं, इसे ही मारने गए थे ना? और इस बात का फैसला पड़ोस वाले करेंगे, क्योंकि वही जानते हैं स्वाति की ईमानदारी। अरे जो लड़की अपने तलाक में एक रुपए नहीं ले, वो क्या चोरी करेगी? ये लड़की पक्का उसकी हमशक्ल है। घर का नौकर होके चोरी कर रहा है? निकल जा, निकल, निकल। आप क्या कर रहे थे? हाँ, कह रहे थे कि भले ही हमें ये पसंद नहीं हो, लेकिन चोरी नहीं कर सकती। उसी माँ की भक्त है, चोरी कहाँ करेगी? लगाना पड़ा। ये बचपन से ही कम बुद्धि का है, परंतु अपने आप को बहुत चालाक समझता है, जो कि ये है नहीं। पर आप चिंता ना कीजिए, हम समझा देंगे इसे। अच्छा होगा, समझा दो, नहीं तो सवेरे शाम धुलझुल लपड़ मार के हम समझा देंगे। दिया है उसका पालन करो। और हां, उस कन्या को कोई हानि नहीं पहुंचाना, क्योंकि उसे लाने की योजना हमारी है। संतोषी किसे देख रही है? ये कन्या देवी पौलोमी के गुणों से प्रभावित है, ये तो हमें ज्ञात था। किंतु देवी पौलोमी को यहाँ देखकर हमें ये विश्वास हो गया है कि इस कन्या को देवी पौलोमी ही यहाँ लेकर आई है। बहुत दिन हो गए, अब गाता तो बढ़िया। हाँ बेटे, हमारे साथ में पंडित जी भी आए और बाकी सब लोग भी तुम्हारे मुंह से माँ की आरती सुनना चाहते। सच कहे ना बेटिया, मंदिर की आरती भी तुम्हारी आवाज के बिना अधूरी लगती है। एक बार गा दो ना माता रानी की आरती। बिल्कुल सही कहा पंडित जी, स्वाति की आरती के बिना तो पूजा अधूरी लगती है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, शुरू करो ना। अरे कहाँ फंसा दिया हमको, एक आरती नहीं आती है, अब कहाँ गए? अरे चप्पल, आरती करने से पहले बेटा चप्पल तो उतार दो। झूठ छुपेगा नहीं सिंहासन से। जैसे ही इस बहरूपिया का सच सामने आएगा, हम स्वाति के गायब होने का सच उगलवा लेंगे तुमसे। गलती से पहले
ये लड़की कहीं बना बनाया खेलने बिगाड़ दे। इंद्र की पत्नी हो जो स्वर्ग लोग और समस्त देवी देवताओं के राजा हैं, उनके लिए कार्य एक क्षण का है। तुम उनका स्मरण करो। देवराज इंद्र, कृपया कर प्रकट हो, आपकी पत्नी को आपकी आवश्यकता है। माती, कहीं देवराज इंद्र भ्रमण के लिए तो नहीं निकल गए या कहीं ध्यान में तो नहीं बैठे? देवराज इंद्र, कृपया प्रकट हो। पुत्री, शीघ्र अति शीघ्र तुम अपने पति को ढूंढो, अन्यथा संतोषी पर तुम्हारा ये षड्यंत्र सिद्ध हो जाएगा। नहीं, झूठे पैर थे जो उनके लिए पर्याप्त थे, क्योंकि उसमें प्रेम निहित था। मेरे राम आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे। श्री राम, प्रभु श्री राम आएंगे। मेरे प्रभु श्री राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। मेरा जीवन सफल कर दिया प्रभु आपने। पधारिए, पधारिए प्रभु, पधारिए। प्रभु विराजमान हो ये प्रभु, मेरे प्रभु जी राम पधारिए। मेरे श्री राम प्रभु, आपको भूख लगी होगी, मैं कुछ फल लेके आती हूँ प्रभु। मेरे श्री राम, कहाँ हो रहा है, हमको सुबह से ही ऐसा हो रहा है, क्या करें? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तू एक काम कर, ये आरती की थाली अपनी माँ को दे दे, ठीक है? तू एक काम कर, तू सिर्फ आरती गा दे, हाँ? ये सही रहेगा। हम जानते हैं बेटे कि माँ की आरती गाने के बाद तुझे अच्छा लगता है और तेरा सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा तनाव खत्म हो जाता है। इसे कहते हैं अपने ही बनाए जाल में फंसना। हमने कई दिनों से आपकी आरती नहीं की, हम आपकी आरती गाएं? हम अभी पूजा की थाली लेकर आते हैं। नारायण नारायण। माते, एक और वास्तविक स्वाति जिन्हें आपकी आरती कंठस्थ है, और दूसरी ओर ये कन्या जिन्हें आरती के नाम पे एक शब्द भी नहीं आता। और माते, हमें ज्ञात नहीं हो रहा कि देवी पौलमी ने ये कैसे विश्वास कर लिया कि ये कन्या पुत्री स्वाति का स्थान ले सकती है। नारायण नारायण। है ना, तो सिर्फ संतोषी माँ की वजह से, स्वाति के तप से, उसके विश्वास से। हमारा विश्वास ही टूट गया तो हम क्या करें? इसलिए हम कोई आरती नहीं करेंगे, बस। अच्छा ठीक है, मत गाओ आरती, सिर्फ पढ़ दो जैसे पाठ करते हैं। तुम आरती गा दोगी तो ये भी साबित हो जाएगा कि तुम ही असली स्वाति हो, कोई बहरूपिया नहीं। चलो बोल दो आरती। आरती आरती आरती। अरे नहीं करनी हमको आरती, नहीं आती, नहीं हम स्वाति, बस। फिर घर में, लेकिन हमारी बात कहाँ कोई समझ पाया है। और आप सुन लीजिए, ना तो हमको व्रत से डर लगता है और ना ही तप से। वो तो हम थोड़ा सा अपनी संतोषी माँ से नाराज थे, इसलिए आरती नहीं कर रहे थे। पर खैर, अब आरती गा ही देते हैं, काहे आपकी तसल्ली के लिए। आज देवराज ने हमारी लाज रख ली, बहुत बहुत धन्यवाद देवराज।
देवी, आज जो दृश्य समस्त देवगण को देखने को मिला वो अद्भुत है। हम आपकी आरती से प्रसन्न हुए, कोई वर मांग लीजिए। आप कदाचित हमारी बात से अचंभित हैं, किंतु यदि असंतोष की देवी संतोष की देवी की आरती करे तो वो हमारे दृष्टिकोण में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देवी संतोषी, आप स्वयं को संतोष की देवी कहती हैं, है ना? किंतु जिस प्रकार आप यहाँ प्रकट हुई हैं और हमें बातें सुना रही हैं, ये संतोष नहीं अपितु लालच है। जाइए। हाँ, क्या कह रही थी? प्लान हमारा है, ये हम मान ले। देख लो का सच सामने आया, तुम चाहे कितना भी नाक रगड़ लो, सच यही रहेगा। अब हाँ, एक शुक्रवार तो क्या, तुम हजार शुक्रवार भी कोशिश कर लो ना, तब भी सिंहासन सिंह का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। क्योंकि हम ये जानते थे कि तुम चाहती हो कि वो लड़की को ये लगे कि हमने उसे अपनी बेटी मान लिया है। हाँ ताऊजी, सही कहा, ऐसा ही चाहते थे हम। ऐसा करने से उस लड़की का सच जाने में हमें आसानी होगी। धनी, कहाँ होगी हमारी बिटिया, किस हाल में होगी, कहीं उसको किसी ने? नहीं नहीं अर्चना, ऐसा मत बोलो। अमरी स्वाति को कुछ नहीं होगा, संतोषी माँ है ना, उसकी रक्षा करने के लिए